तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरू के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं समाज का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहे। तो बात करते हैं जहाँ पे साउथ अफ्रीका का प्रीमियर लीग एससी टी20 चल रहा है, जहाँ पे टूर्नामेंट के 26 मैच की जो कि टूर्नामेंट का दो सबसे वीक टीम के बीच में यह मुकाबला होने वाला है। जहाँ पे एक तरफ बात करें तो प्रिटोरिया कैपिटल्स है, वहीं दूसरी तरफ एमआई कैप्टाउन है। दोनों टेबल नंबर 5 और 6 पे स्टेबल है। यह मैच 1 फरवरी को सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 84% देख सकते हैं, टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब अगर बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 33% जीतने का चांस है, तो बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 67% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 124 है, तो वहीं सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 154 है। अब अगर बढ़ते चलते दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहाँ पे प्रिटोरिया कैपिटल्स 2 मैच जीत के आए, तो वहीं पे एमआई कैपटाउन 0 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस में सेशन की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं पहली टीम एमआई कैपटाउन का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम का परफॉर्मेंस देखें तो अब तक हम अप एंड डाउन वाला हो रहा है। टीम में कंसिस्टेंसी की कमी भी दिख रही है, टीम अब तक 8 मैच खेले जिसमें से 2 ही मैच में जीत कर आ रही है और 6 मैच में टीम को हार मिली है। टीम का टेबल नंबर 6 पे स्टेबल है। अगर लास्ट 4 मैच की बात करें तो टीम वो भी जीत कर नहीं आ रही है। वहीं पे किरण पोला जो इस सीजन में एमआई कैपटाउन को लीड कर रहे हैं, जहाँ पे टीम की बैटिंग पूरी तरह फेल चल रही है। अगर टीम की ओपनिंग में बात करें, जहाँ पे राशि और रिकल्टन से अच्छे स्टार्ट दे रहे हैं, लेकिन टीम का मिडिल ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। हमें रिकल्टन इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने 8 मैच में 405 रन बनाए। नंबर 3 पर जहां पे लिविंगस्टोन जो टीम को स्टेबल कर रहे हैं, डिवाल ब्रेविज जो बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं, अब तक उन्होंने रन बनाना होगा। टीम की बैटिंग में देव थे। लोअर ऑर्डर जहां सैम करन एंड पोलार्ड टीम को जीत नहीं दिला पा रहे, वहीं पोलार्ड अब तक बैटिंग में फॉलो अप चल रहे हैं। टीम की कमजोरी उसकी बॉलिंग भी है, जहां पे टीम के पास एक एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है। टीम में 5 रेगुलर बॉलर है, कसिगो रबारा और थॉमस कबेर जो पेस अटैक को लीड कर रहे हैं। कबेर नी बॉल से विकेट दिला सकते हैं। जॉर्ज लिंज जो लगातार विकेट भी ले रहे हैं। सैम करन जो अब तक विकेट लेने में फ्लॉप चल रहे हैं। वहीं पे नुमन थुसार जो यहाँ पे अच्छी बॉलिंग का चांस करना चाहेंगे। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे किरण पोलार्ड है, रसिन वर्न दुसैन है, रिकार्ड रिकल्टन है, कॉनर स्टर्जियन है, डिवाल ब्रेविस है, कसिगो रबारा, सैम करन, लाइम लिविंगस्टोन, जॉर्ज लिंड, नुमन थुसार, थॉमस कबेर है। अब बात करते हैं इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे किरण पोलार्ड है, सैम करन है, कसिगो रबारा। बात करते हैं दूसरी टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे टूर्नामेंट में टीम की शुरुआत खराब हुई। टीम टूर्नामेंट की सबसे लो टीम है। टीम ने अब तक 8 मैच खेले जिसमें से 2 ही मैच में जीत मिली। टीम टेबल नंबर 5 पे स्टेबल। लास्ट गेम की बात करें तो जहां पे दरबा ने 8 रन से हरा दिया था, वहीं पे वर्नी पर्नल जो टीम के कैप्टन जो कि एक बॉलर है, टीम की बैटिंग फ्लॉप चल रही है। बस ओपनिंग में फिलिप सॉल्ट एंड विल जैक की जोड़ी है जो कभी कदार चल जाती है। फिलिप सॉल्ट ने ज़्यादा रन नहीं बना पा रहे हैं। विल जैक जो 7 मैच में 218 रन बनाकर टीम के लीडिंग रनर स्कोरर है। नंबर 3 पर जहाँ पे काइल है जो इस पिच पर इफेक्टिव हो सकते हैं। अगर मिडिल ऑर्डर में बात कर दो, जहाँ पर रिली रोसो एंड एकरमैन जो टीम को स्टेबल करते हैं, लेकिन दोनों भी अभी फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। जहाँ पे फिनिशिंग के लिए बात करें तो कॉलिन इनग्राम एंड जिमी नीशम टीम में है। बॉलिंग में टीम ने जबरदस्त कमबैक करते हुए, टीम में एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है, जहाँ पे डेरिक डुपाविलियन जो लास्ट गेम में 3 विकेट लिए थे, इथन बो जो इफेक्टिव बॉलर है। स्पिन डिपार्टमेंट जहाँ पे मुथुस स्वामी को लास्ट गेम में चांस मिला था, उन्होंने 3 विकेट निकाले थे। इंग्लैंड के आदिल आसिफ भी फ्लॉप चल रहे हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ फिलिप सॉल्ट है, विल जैक है, काइल है, एकरमैन है, रोसो है, कॉलिन इनग्राम, नीशम है, मुथु स्वामी, इथन बोसच, आदिल रास्ते, वर्नी पर्नल है। अब बात करते हैं कि कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे विल जैक है, कॉलिन इनग्राम है, जिमी नीशम है। तो फाइनली दोस्तों हमने एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर एमआई कैपटाउन होगा, क्योंकि एमआई कैपटाउन यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करेगी और मैच भी जीतेगी। यहाँ पे प्रिटोरिया कैपिटल्स को हार मिल सकती है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।